चेल्लम और मुहर्रम, तो चेल्लम भी याद है आपको, मुहर्रम भी याद है आपको, अच्छा, लेकिन ये मालूम नहीं है आपको ये मुहर्रम है क्यों, चेल्लम है क्यों, है नहीं? और भाई आप थोड़ा सा बोझ हो जरा आपसे मैं ये बताइए आप भाई, किसी को मालूम है शब्बीर किसका लकब है? शब्बीर, शब्बीर। अरे हजरत अली को जानते हैं आप? हजरत अली, हजरत अली ना, इनके बेटों के नाम पता है आपको? जी मुझे तो नहीं पता है। ये हजरत अली के बेटों को कौन नहीं जानता, उन्हीं की वजह से हम आज खड़े हुए हैं, हमारा इस्लाम जिंदा है उन्हीं की वजह से जिंदा है, हजरत अली के बेटों से की वजह से ही जिंदा है ये। अनस, अनस भाई, भाई आपका? फैजान नाम है। जुनैद, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम, नाम पूछना पड़ता है यार सलाम करने से पहले, अफसोस इस चीज़ का अफसोस है कि सलाम करने से पहले नाम पूछना पड़ता है जिसको हम जानते नहीं हैं, हम आपको नहीं जानते हैं ना, ठीक है ना। हमारा इस्लामिक कंटेंट है यूट्यूब पे, हमारा चैनल है इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं, तो देखा आपने हमारा चैनल? देखा आपने? चैनल नहीं देखा है? अच्छा, बात नहीं, देख लेंगे इंशाल्लाह। तो इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपसे करेंगे दो तीन सवाल इस्लामिक, ठीक है? माशाल्लाह भाई, कलमा पढ़े पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, हमारे नबी का क्या नाम है? हमारे नबी का नाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो पढ़ा आपने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो है ना ये दुरूद शरीफ है, ये दुरूद है, दुरूद शरीफ है, हाँ दुरूद है ये, लेकिन ये नाम नहीं हुआ हमारे नबी का। हमारे नबी का नाम बताइए आप। नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद होता है, नाम जो है वो मोहम्मद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी जो कलमा पढ़ा था आपने पढ़ा था, हाँ इन्होंने जो कलमा पढ़ा था, इस कलमे के अंदर नाम आता है हमारे नबी का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वालेकुम सलाम, तो ये नाम है हमारे नबी का, ठीक है। अब सवाल करूँगा आपसे मैं, ये बताइए आप भाई, किसी को मालूम है शब्बीर किसका लकब है? शब्बीर, शब्बीर, शब्बीर नहीं पता, नहीं पता। शब्बीर किसका लकब है, गौर करिए ज़रा, शब्बीर कभी सुना ही नहीं आपने? जी नहीं। किसी वली का नाम था, किसी वली का नाम था, किसी वली का नाम, हाँ वली भी कह सकते हैं उनको, आप बताइए। वली कह सकते हैं। अरे हजरत अली को जानते हैं आप? हजरत अली, हजरत अली ना, इनके बेटों के नाम पता है आपको? जी मुझे तो नहीं पता है। हजरत अली के बेटों का नाम नहीं पता? नहीं। अच्छा, हजरत अली का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनका आपस में रिश्ता क्या है? ये उनके नवासे हुए हैं, यानी कि नवासे नहीं है, दामाद हैं, दामाद, हाँ। तो हजरत अली के बेटे वो नवासे हो गए, तो वो क्या नाम है उनका? नवासे हुआ। आप क्या करते हैं? जी हम मैकेनिक का काम करते हैं, गाड़ी बाइक का। जी आप भी? तो कुछ इधर गौर ही नहीं है आप लोगों का यार, कुछ गौर करिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, दीन की तरफ ध्यान दे रहा मेरे भाई यार। ये दुनिया फानी है, कुछ नहीं है इस दुनिया में, दीन से बहुत दूरी हो गई, बहुत दूरी हो गई दीन से। जी बहुत, दीन से बहुत दूरी हो गई है। ये इतने आसान सवाल मैं आपसे कर, आपको मालूम नहीं है कि हजरत अली के बेटों को कौन नहीं जानता, उन्हीं की वजह से हम आज खड़े हुए हैं, हमारा इस्लाम जिंदा है उन्हीं की वजह से जिंदा है, हजरत अली के बेटों से की वजह से ही जिंदा है ये इस्लाम, वरना कुछ नहीं होता मेरी समझ से। तो भाई आपको भी नहीं पता हसन इनके नाम? तो आप लोगों ने कभी हसन हुसैन का नाम सुना? सुना कब? सुना कब? सुनते हैं उनका नाम कब ज्यादा लिया जाता है बताओ? मुहर्रमों में लिया जाता है, मुहर्रमों में लिया, चेल्लम और मुहर्रम, तो चेल्लम भी याद है आपको, मुहर्रम भी याद है आपको, अच्छा, लेकिन ये मालूम नहीं है आपको ये मुहर्रम है क्यों, चेल्लम है क्यों, है नहीं है मालूम? सलाम, चेल्लम मुहर्रम, मुहर्रम है क्यों ये नहीं पता आपको, लेकिन चेल्लम और मुहर्रम याद हैं, तो यही तो वजह है, सारी वजह तो यही है। मुहर्रम ताजिए बनाते हैं और घुमाते हैं, ये करते हैं, लेकिन पता ही नहीं किसके लिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है ये, है नहीं है? तो इमाम हसन हुसैन जो हैं वही तो हैं
हजरत अली के इमाम हुसैन बेटे हैं। हाँ, हजरत अली के बेटे हैं, हसन हुसैन हजरत अली के बेटे हैं, साहबजादे यही हैं। तो इन्हीं का नाम है इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन का लकब है शब्बीर, शब्बीर शब्बीर और शब्बर। हाँ, शब्बर नाम है, हसन का लकब है ये शब्बीर और शब्बर, उनके बेटे का। माशाल्लाह, ठीक है यार, थोड़ा गौर करें मेरे भाई दीन की तरफ यार। ठीक है मेरे भाई, ज़रा ध्यान दिया, ज़रा काम भी ज़रूरी है लेकिन ये ज़रूरी ये मेरे भाई। ठीक है, और भाई आप थोड़ा सा बोझ बोझे ज़रा। ठीक है, अल्लाह आपकी इल्म व अमल में, आपकी उम्र में आपको दीन का जज्बा शौक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।